हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में घोटालों का गढ़ कही जाने वाली बाड़मेर नगर परिषद में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल बाड़मेर नगर परिषद में इस बार बायोमेट्रिक मशीन की खरीद में घोटाले की आशंका जाहिर की जा रही है। बाड़मेर नगर परिषद ने एक साल पहले सपना दिखाया था कि नगर परिषद के समस्त 40 वार्डों में बायोमेट्रिक मशीन लगाकर बायोमेट्रिक तरीके से सफाई कर्मचारियों की हाजिरी ली जाएगी, जिसके बाद आमजन में उम्मीद जगी थी कि अब सफाई को लेकर लापरवाह हो चुके सफाई कर्मचारी अब सुधरेंगे। नगर परिषद ने आनंद फानंद में टेंडर जारी कर 10 लाख खर्च कर 40 बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन खरीद ली। एक मशीन की अनुमानित लागत 22,000 के करीब आई थी, लेकिन अधिकांश मशीन अब नगर परिषद में धूल फांक रही है। इस पूरे प्रकरण में बड़े गड़बड़ की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि खरीदी गई 40 में से 32 मशीनें पड़ी पड़ी खराब हो गई हैं और यह मशीन बाजार में 9,000 से कम कीमत में मिल रही है। नगर परिषद ने एक मशीन पर 22,000 का खर्चा किया है। ऐसे में आशंका यह जाहिर की जा रही है कि आगामी दिनों में मशीन से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।